इसी बहिष्कार बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ। महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ प्राची। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है, आने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब तो आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके मन में यह भी हो, वो जो एक पुराना भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे कैसे आऊं, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं उन्होंने, परंतु आज उस पाप के परिमार्जन का अवसर था, वो भी आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल, मतलब जो बादल हैं, अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें, बेंत का जो वृक्ष होता है ना उस पर फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फलों फूल नहीं आते, बैंबू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशा ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है, जदपि सुधा बरस ही जलद, फूल ही फल ही न बेद, जो गुरी गुरु मिल ही विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। तो सुना आपने, सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि कांग्रेस ने पहले पीएम और भारत का बहिष्कार किया, अब भगवान का बहिष्कार कर रहे हैं। इन्होंने हर समय सरकार का विरोध करते हुए कई चीजों का बहिष्कार किया है, इसलिए जनता भी कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है।